बैंक संगठना के एक वर्ग की हड़ताल कारण अज सरकारी बैंकों दी सारी शाखावां या तो बंद रही या फिर उन्होंने कामकाज नहीं हो सकिया। संगठना ने अपनी वक्त-वक्त मंगा नूं लैके एक दिन की इस हड़ताल का ऐलान किया। इस विच कहा गया कि वसूल नहीं हो रहे कर्जियां दे लई वड्डे अधिकारियों नूं जिम्मेवार ठहराया जाए। बैंक संगठना के संयुक्त संघ यानी कि UFBU की अगवाई हेठ इस हड़ताल कारण बैंकों का कामकाज प्रभावित होया। UFBU विच 9 संगठन हैं जिन्हां विच कि भारतीय मजदूर संघ नाल संबंधित 2 संगठन हड़ताल विच शामिल नहीं होए। इन्हां लोकां वल्लों इह वी कहा जा रहा कि नोटबंदी दौरान बैंक कर्मचारियों वालों वाधू समय तक दित्तियां गईयां सेवावां दे लई वक्त तों भुगतान किया जाना चाहिए है जिस उत्ते कि कोई भी गलबात नहीं हुई है। उत्थे ही भारतीय मजदूर संघ दे नाल संबंधित NOPW दे उप प्रधान अश्विनी राणा ने यह कहा कि यह हड़ताल गैर जरूरी सी क्योंकि IBA ने मार्च के पहले हफ्ते संगठनों नूं गलबात लई सद्या होया है अते यह हड़ताल टाली जा सकती सी। सबसे पहले हमारी बात है डीमोनेटाइजेशन की। अभी भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सब ने बड़ी तारीफ की है बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की कि उन्होंने दिन रात एक करके भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन की स्कीम लागू की। लेकिन जब कंपनसेशन की बात आती है, ओवरटाइम की बात आई है, तो आज तक हमारे साथियों को उनका राइट नहीं मिल सका। आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें हमारा ओवरटाइम या हमारे ऑफिसर साथियों को उनका कंपनसेशन मिल सके। हमारी पूरी बातचीत करने के बावजूद भी जब हम कामयाब नहीं हो सके उसके अंदर ये इशू आया। ग्रेचुटी एक्ट की बात आई, 7th Pay Commission में भारत सरकार ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथियों का ग्रेचुटी एक्ट के अंदर सीलिंग बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दी। रिजर्व बैंक ने अपने साथ कर्मचारियों की सीलिंग बढ़ा दी, लेकिन जो बैंक कर्मचारियों के लिए ग्रेचुटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की बात थी वो आज तक लागू नहीं हो सकी है। डेफिनेटली होगा, अगर आउटसोर्सिंग करेगा जो हमारी UFBU जो सीनियर लीडरशिप इसके सोचेगी जो संघर्ष तेज करेगी। जो मांगे आपने रखी है उसमें क्या चीज़ें हैं कि जो आपको परेशानी आ रही है आज के समय में अगर वो लागू नहीं की होगी? बस कई प्रॉब्लम्स है ब्रांच बैंक की, कई कम रूटीन से कम करके सब प्रॉब्लम आती है, इसी करके डिमांड स्टडी रखी है।